कोरोना काल के 2 साल बाद इस वर्ष अब दिवाली पूरे उत्साह के साथ मनाई जाएगी। अमावस्या 2 दिन होने से आम लोगों में दिवाली पर लक्ष्मी पूजन को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन मुहूर्त चिंतामणि का मंथन करने के बाद ज्योतिषी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिवाली 24 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। ज्योतिष के अनुसार प्रदोष काल और निश्चित काल व्यापनी अमावस्या में दिवाली मनाई जाती है। कई वर्षों बाद इस साल चित्रा नक्षत्र में दिवाली पड़ रही है, जो समग्र राष्ट्र और समाज के लिए सुख और समृद्धि लाने वाली सिद्ध होगी। दिवाली के अगले दिन अमावस्या पर 27 साल बाद सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। गौरतलब है कि कार्तिक अमावस्या सोमवार 24 अक्टूबर को शाम 5:27 से आरंभ होकर अगले दिन 25 अक्टूबर मंगलवार शाम 4:16 तक रहेगा। हस्त नक्षत्र अपराह्न 2:41 तक रहेगा। इसके बाद दिवाली पूजा में चित्रा नक्षत्र का संचार होगा। हस्त चित्रा नक्षत्र में वैधृति योग का सुखद संयोग रहेगा। ज्योतिष के अनुसार हस्त नक्षत्र लघु चित्र संख्यक और चित्रा मृदु मैत्र संख्यक है। दोनों नक्षत्र व्यापारी और उद्योग जगत को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। 27 साल बाद सूर्य ग्रहण का संयोग। दिवाली के अगले दिन 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये आंशिक ग्रहण होगा, जो देश के कई हिस्सों में दिखेगा। दिवाली के अगले दिन ग्रहण होने से गोवर्धन पूजा दिवाली के तीसरे दिन मनाई जाएगी। ये स्थिति 27 वर्ष पूर्व 1995 में हुई थी। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व आरंभ हो जाता है। इस हिसाब से 24 अक्टूबर की मध्य रात्रि से ही सूतक काल आरंभ हो जाएगा। सूतक काल दिवाली की रात 2:30 से शुरू होगा और अगले दिन 25 अक्टूबर की सुबह 4:22 पर समाप्त होगा। लक्ष्मी पूजन मुहूर्त शाम 7:26 से 8:39 तक। प्रदोष काल शाम 6:10 से 8:39 तक। वृषभ काल शाम 7:26 से 9:26 तक। निश्चित काल की पूजा रात 11:58 से सुबह 12:48 तक। लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम मुहूर्त यानी चर शाम 6:10 से 7:43 तक। रात्रि मुहूर्त यानी लाभ 10:49 से 12:23 तक। उषा काल मुहूर्त शुभ अमृत और चर सुबह 1:56 से 6:36 तक।